हम एक ट्रिप मैं सोच रहा हूँ जो कि अपनी एवेंजर में ही होने वाली है गाइस। तो आप कमेंट करके बताओ कि अपनी जो नेक्स्ट ट्रिप होने वाली है तो हम उसको लाइक बजाज एवेंजर पे करें या फिर अपनी KTM RC 200 पे करें। तो गाइस आप तो और राइड सेफ कीजिए और बहुत मतलब राइड तभी एग्रेसिव कीजिए जब आपके पास प्रॉपर स्किल्स हो, प्रॉपर आपके पास एक एक्सपीरियंस हो, तो ही आप इन चीज़ों को कंसिडर करो। वरना गाइस एंजॉय करो यार, एक राइड को ना एंजॉय करना ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको किस तरीके से लगती है तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताओ मेरे को, क्योंकि कुछ पॉइंट्स और कुछ सजेशन भाई आप लोगों के भी बनते हैं। मेरा ही सजेशन अगर मैं खाली मैं ही दूँ तो यार क्या अलग बात रहती है, लेकिन आप ओके। व्हाट्सअप गाइज, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आप लोगों के गाइज? होप सो आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो जी गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश वीडियो विद अ न्यू फ्रेश व्लॉग। तो जी स्वागत है गाइज आप लोगों का एक नए बढ़िया से दिन में, एक बढ़िया सी वीडियो में गाइज। और सिग्नल हो रहा है अभी थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा तो इतने में तो नहीं निकल पाएगी। तो जी गाइज शुरू करते हैं एक अपनी बजाज एवेंजर के साथ क्रेज़ी हाइपर राइड। मतलब जो तरीका अपना वही जो चल रहा है ना, वो चलाने वाला वही करेंगे दोबारा से। सो भाई भीड़ देख रहे हो गाइस, कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई। गलत मैं आई थिंक सो लेके आ गया हूँ, लेकिन यार एक बात है, चाहे भीड़ कितनी भी हो भाई, अपनी इस बाइक का जो एक कंफर्ट है ना भाई, क्रेज़ी वाला है भाई, क्रेज़ी वाला। देख रहे हो कहाँ रॉन्ग साइड में लेके घुस गया है गाड़ी, और ना तो निकल पा रही है किसी की, ना निकालने दे रहा है भाई। सो मैं गाइस ये वाली चीज़ कह रहा था, ये वाली जो बाइक है ना अपनी भाई, कितने भी कैसे भी ट्रैफिक में आप ले जाओ, इस गाड़ी में भाई साहब आपको बिल्कुल भी यार ऐसा महसूस नहीं होएगा कि अरे कहाँ लेके जा रहा भाई, देखो कहाँ चलाता। सो इस गाड़ी में आपको भाई इतना सा भी सिंगल परसेंट का ये महसूस नहीं होने वाला है कि आपको आप ये गाड़ी को लेके भाई स्टक वाले जाम में भी अगर फंस जाओगे ना, तो भाई आपको लाइक सिटिंग पोजीशन ऐसी है कि आप बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से भाई साहब इस गाड़ी के ऊपर आराम से ट्रैवल करते हुए जा सकते हो। तो ये जो गाड़ी है ना, इस गाड़ी का ये वाली जो चीज़ है ना भाई, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और आपको किस तरीके से लगती है तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताओ मेरे को, क्योंकि कुछ पॉइंट्स और कुछ सजेशन भाई आप लोगों के भी बनते हैं। मेरा ही सजेशन अगर मैं खाली मैं ही दूं तो यार क्या अलग बात रहती है, लेकिन आप लोग बढ़िया बढ़िया कमेंट्स और बढ़िया बढ़िया सजेशन दो अपनी इस गाड़ी को लेके आप लेने जा रहे हो। सो बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो मैंने बनाई हैं इस अपनी बाइक से रिलेटेड, तो आप उस पॉइंट्स को भी मद्देनज़र रखते हुए आप चीज़ों को कंसिडर कर सकते हो। तो ये कुछ बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स हैं, आप जाके देख सकते हो मेरी कुछ पिछली वीडियोस में। और गाइज आपका सपोर्ट चाहिए, बस अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए और बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। तो अब एक ट्रिप मैं सोच रहा हूँ जो कि अपनी एवेंजर पे ही होने वाली है गाइज, तो आप कमेंट करके बताओ कि अपनी जो नेक्स्ट ट्रिप होने वाली है तो हम उसको लाइक बजाज एवेंजर पे करें या फिर अपनी KTM RC 200 पे करें। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताओ, आप सजेशन दो। तो मोस्टली जो मेरे जो चांसेस है ना, वो अपनी इसी वाली बाइक के ऊपर हैं, एवेंजर के ऊपर हैं। तो एक बढ़िया सी जो कंफर्टेबल वाली जो राइड चाहिए ना अपने को इस बार, वो वाली चीज़ मेरे को करनी है, ठीक है। KTM के ऊपर थोड़ा सा क्या है, एक तो उसकी जो हाई स्पीड परफॉर्मेंस है ना, वो तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिलती है, लेकिन यार अब मेरे को एवरेज के साथ साथ कंफर्ट का भी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट रख के चलना है कि मेरे को ये वाली चीज़ को करना है गाइज। तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताओ मेरे को। और देख रहे हो भाई क्या अलग फील आती है भाई साहब। और सबसे स्पेशली बात तो यही है कि जब से इसमें मोटुल का जो मोबिल ऑयल जो डला हुआ है ना भाई, उसके बाद तो भाई इंजन में ना इतनी ज़बरदस्त जो एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस वाला जो हिसाब होता ना, वो भाई इस गाड़ी में जनरेट हो चुका है। सो शाम के टाइम में भाई क्लियर वाइज़र थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यार, क्लियर वाइज़र के साथ थोड़ा सा राइड करना ना भाई कॉम्प्लिकेटेड है, टेंटेड वाइज़र के साथ। क्लियर वाइज़र हो तो देखो बात अलग है, लेकिन मेरे तो एक ही गाइज आप लोगों से एक ही सजेशन रहेगा कि आप जब भी
राइड करते हो तो यार एक अच्छे ब्रांड का हेलमेट ज़रूर से पहने यार, क्योंकि भाई ये ना इतना ज़्यादा मतलब एक ऐसी चीज़ है कि आपको भाई बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगी। क्योंकि देखो आज के टाइम में क्या है ना कि यार लोग ना भाई जिस तरीके से ड्राइव करते हैं ना, जिस तरीके से राइड वगैरह करते हैं भाई, चीज़ को देख के ना बहुत ज़्यादा डर भी लगता है और भाई बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ को देख के यार बहुत ज़्यादा डर भी लगता है यार कि यार लोग ना ऐसे फुद्दू तरीके से गाड़ी चलाते हैं भाई साहब कि दूसरे का ना कोई भी इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखता है कि दूसरा बंदा किस तरीके से चलाता है और कैसे वो रहता है। तो हेलमेट ज़रूर पहनो चाहे यार कोई भी हो, ठीक है। अगर आप पिलियंस भी जा रहे हो तो पिलियंस पे भी आप एक भाई अच्छा ब्रांडेड का हेलमेट कर लो। एक बार आपको पैसा लगाना है हेलमेट के ऊपर तो अच्छे ही ब्रांड का हेलमेट पहनो यार, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं कोई लोकल ब्रांड का बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करूँगा, मैं हमेशा कहूँगा कि गाइस आप लोग ना एक अच्छे ब्रांड का हेलमेट पहनो क्योंकि वो सर्टिफाइड होता है हर चीज़ से लेकर। तो और राइड सेफ कीजिए और बहुत मतलब राइड तभी एग्रेसिव कीजिए जब आपके पास प्रॉपर स्किल्स हो, प्रॉपर आपके पास एक एक्सपीरियंस हो, तो ही आप इन चीज़ों को कंसिडर करो। वरना गाइस एंजॉय करो यार, एक राइड को ना एंजॉय करना ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी चीज़ें क्या होती हैं ना कि हम लोग करते क्या हैं, उन चीज़ों को हम लोग बिल्कुल भी यार इन्जॉय नहीं करते हैं यार। तो राइड को इन्जॉय करना बहुत ज़्यादा है, मस्त इम्पॉर्टेंट होती हैं चीज़ें, तो ये वाली चीज़ें बिल्कुल करो। और गाइज अपनी इस बाइक से तो भाई क्या ही कहने हैं भाई, इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें बढ़िया हैं इस बाइक के साथ भाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग ही लेवल पे ले जाती है गाड़ी ये। कैसे गड्ढे वड्ढे होते हैं ना भाई, अब तक अपनी आरसी होती तो आरसी में थोड़ा सा भाई डिस्कम्फर्ट हो जाता क्योंकि ऐसे जो गड्ढे आ रहे ना इस बाइक में भाई, गड्ढे वड्ढों का तो बिल्कुल भी हिसाब पता ही नहीं चल पाता है। बहुत ही कम्फर्टेबल इसकी जो सीट की जो कुशनिंग्स वगैरह है ना भाई, वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब इस टाइप की रोड्स के लिए भाई स्पेशली ये बाइक बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो आप गड्ढों वड्ढों में से भाई बहुत ही आराम से ना बहुत ही कंफर्टेबल हिसाब से निकाल सकते हो, देख रहे हो। और आप कुछ आप देख सकते हो कि क्या नाम है, मैं कितनी आराम से इस गाड़ी के ऊपर बैठा हूँ और मेरे को भाई कोई भी ऐसा फील मतलब फटीकनेस बिल्कुल भी फील नहीं होती अगर मैं इस गाड़ी को अगर गाइज मैं इस गाड़ी को 3-4 घंटे भी अगर मैं कंटिन्यू राइड करूँ ना, तो भाई इस गाड़ी में मेरे को 1% की भी थकान नहीं होने वाली है। ओहो भाई। और देखो छोटे मोटे जो ओवरटेक है ना भाई, देखो उसमें तो बहुत बढ़िया गाड़ी है, लेकिन जो लंबे ओवरटेक होते हैं ना हाईवेज वगैरह के, उस पर थोड़ा सा ये गाड़ी ना थोड़ी सी भाई उसकी जो परफॉर्मेंस है डिक्रीज़ हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन ये है कि भाई गाड़ी एक नंबर है भाई, देख रहे हो आप क्या हिसाब चलती है भाई ये गाड़ी, बहुत ही बढ़िया मतलब। सो गाइस आप लेने जा रहे हो ना इस गाड़ी को तो डेफिनेटली गो फॉर इट भाई, 160 सिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। अगर आप टूरिंग का शौक़ रखते हो, राइडिंग का शौक़ रखते हो और लंबे लंबे टूरों का शौक़ रखते हो तो गाइस गो फॉर 220 भाई। 220 के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा हिसाब अच्छा हो जाएगा गाड़ी का, तो वो वाली चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑल टाइप गाड़ी अगर तो आपको लेनी है, सिटी के हिसाब से भी लेनी है और राइडिंग के हिसाब से भी लेनी है, तो गाइज आप डेफिनेटली भाई 220 के ऊपर जाओ तो बेस्ट कंसिडर रहेगा मेरा कि आप इस गाड़ी को भाई आँख बंद करके परचेस कर लो। सबसे बढ़िया चीज़ तो यही है कि ये गाड़ी भाई आपको एक तो लो मेंटेनेंस कॉस्ट मांगती है, ठीक है, बजट में आ जाती है गाड़ी, और आपके पास इतनी वैरायटी हैं इस गाड़ी को भाई आप मॉडिफाइड करवाने के लिए बहुत सारी वैरायटी हैं, तो ये चीज़ें भाई बिल्कुल डेफिनेटली गो फॉर इट द बजाज एवेंजर स्ट्रीट 160 एंड 220 गाइज। सो होप सो गाइज आपने ये राइड इन्जॉय की है, अगर राइड इन्जॉय की है तो आपको अगेन एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और एक लाइक कर देना है, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है गाइज, और बेल आइकन को ऑल कर देना है ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट व्लॉग्स आते हैं गाइज सबसे पहले आपके पास पहुंचने पाए और गाइज आप इन्जॉय करने पाए लेटेस्ट राइड लेटेस्ट व्लॉग को। तो जी करते हैं गाइज वीडियो को यहीं पर ही एंड, मिलते हैं गाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक गाइज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।